अंचल में नया पुलिस कैंप को आता हो गांव में रोड पुलिया नया पुलिस कैंप हम नहीं चाहिए। जात के नाम पर पुलिस द्वारा ग्रामीणों को फर्ज मुठभेड़ में हत्या करने का बंद करो। जात के नाम पुलिस पोस्ट नहीं चाहिए, ग्रामीणों की हत्या बंद करो। इन नारों के साथ अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे सैकड़ों आदिवासियों की तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के सिलेगर इलाके से आई हैं। कई दिनों से ये लोग यूं ही नारेबाजी कर रहे हैं। ये लोग इसलिए गुस्सा हैं क्योंकि इस देश में एक आदिवासी की जान की कोई कीमत नहीं है। ये लोग इसलिए आक्रोश दिखा रहे हैं क्योंकि कई आदिवासियों को कथित मुठभेड़ में मार दिया जाता है, लेकिन इस देश की बड़ी आबादी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चेहरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करने वाले मुल्क से पूछ रहे हैं कि क्या इस मुल्क में आदिवासी होना गुनाह हो गया है। आप में से शायद कुछ लोग इन तस्वीरों के पीछे की कहानी जानते होंगे, लेकिन मुमकिन है कि बहुत से लोगों को इसकी जानकारी ना हो, क्योंकि मनुवादी मीडिया से लेकर बहुजन मीडिया तक आदिवासियों के इस अहम मसले पर खबरें गायब हैं। इसीलिए सबसे पहले खबर जान लीजिए और फिर उसके पीछे की वजह भी जानेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 मई को छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सली उन्मूलन अभियान के नाम पर बस्तर इलाके के बीजापुर जिले के सिलेगर गांव में एक पैरामिलिट्री पोस्ट बना दी थी। इस पोस्ट में सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी के जवानों की तैनाती की गई। हालांकि ये इलाका 5वीं अनुसूची में संरक्षित है, लेकिन बावजूद इसके ग्राम सभा से कोई इजाजत नहीं ली गई। बिना इजाजत अपने गांव में पैरा मिलिट्री पोस्ट बनने पर गांव वाले नाराज हो गए और 13 मई से पोस्ट का विरोध होना शुरू हो गया। आदिवासियों का ये विरोध चलता रहा और 16 मई की सुबह सिलेगर गांव में हजारों आदिवासियों ने पैरा मिलिट्री पोस्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया। आदिवासियों का कहना है कि प्रदर्शन एकदम शांतिपूर्ण था, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों ने अचानक से ये कहकर फायरिंग शुरू कर दी कि नक्सलियों ने हमला कर दिया है। आदिवासियों के मुताबिक इस दौरान आंसू गैस के गोले छोड़े गए और बर्बरता से लाठी चार्ज किया गया। इस वारदात के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिसमें अफरा तफरी और फायरिंग का शोर सुनाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस के मुताबिक इस दौरान 3 आदिवासी मारे गए। ये विडंबना ही है कि इतनी बड़ी वारदात के 9 दिन बीत जाने के बाद भी आपके और मेरे जैसे बहुत से लोगों को इस खबर तक का नहीं पता। जरा सुनिए पीड़ित इस बारे में क्या कह रहे हैं। हम लोग पहले थे, हम लोग बात करने वाले पहले थे, हम लोग बात कर रहे थे, हमको भी नहीं छोड़े, हमको भी मारे। तू पब्लिक का नेता है क्या बात करने वाला? अरे आपका जो समस्या को लेकर आया है तो बात करने के आया ना, आप लोग को मारने नहीं आया था तो बात कर लो पहले। वो क्या आपको सबको जो आजू बाजू भी थे वो लोग सबको गोलीबाजी करना किसका आदेश है? मंत्री का आदेश है, किसका आदेश है तो पता नहीं सर। लेकिन जनता अभी पब्लिक सोच रहे हैं कि 3 लोग मारे हैं, 25 लोग जान भी हो चुके हैं, 7 लोग को जेल ले गए हैं। सुरक्षा बलों का दावा है कि मरने वाले लोग नक्सली थे, जबकि गांव वालों का कहना है कि सभी मृतक किसान थे और उनका नक्सलियों से कोई लेना देना नहीं है। मरने वाले किसी भी व्यक्ति पर कभी भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि मरने वालों के परिवारों को महज 10,000 रुपए देकर और कुछ कपड़े देकर चुप रहने को कहा गया। कितना कितना मिला? कहाँ पर सर? जो भी 30,000 रुपए। हाँ, उन्हें लोग दे दिया सर, वो जो साहब
कौन सा? तो मौत मौत हो गया वाले ला ले गए थे ना, ये कुछ कपड़ा वगैरह खरीद के और सदर वगैरह कम्बल वगैरह खरीद के ले जाओ बोल के 10,000 एक आदमी को दे दिए आदमी लोग। तो पैसा फिर आप लोग परिवार वाले को दे रहे? नहीं उन्हें लोग दे रहे लोग उसी साथी के दिए, ये इसको फिर अपन को क्या करेंगे बोल के वापस करेंगे बोल के हम लोग रखे वापस करोगे। जरा याद कीजिए 29 सितंबर 2018 को लखनऊ में एप्पल कंपनी के मैनेजर विवेक तिवारी को भी फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था। यूपी पुलिस के कांस्टेबल ने कार नहीं रोकने पर गोली चला दी थी जिसमें विवेक तिवारी की मौत हो गई थी। उस दौरान मीडिया में जबरदस्त हंगामा हुआ था। सोशल मीडिया पर हर सेलिब्रिटी और हर एक्टिविस्ट लंबी लंबी पोस्ट लिख रहा था। यूपी की योगी सरकार ने अपना राजधर्म निभाते हुए विवेक तिवारी की पत्नी को 25 लाख का मुआवजा और अधिकारी रैंक की नौकरी ऑफर कर दी थी, लेकिन इसी देश के एक आदिवासी की जान की कीमत महज 10,000 रुपए आंकी गई है। बस्तर के सिलगेर में 17 मई को सीआरपीएफ के जवानों द्वारा जब 3 आदिवासियों की हत्या कर दी गई और उसके बाद जिस तरीके की चुप्पी हम लोग देख रहे हैं तमाम मीडिया चैनल्स, उसके बाद जो है हम लोग देख रहे हैं कि आसपास जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं या गैर आदिवासी समाज में जिस तरीके की चुप्पी है वो ये दिखा रही है कि सरकार जिस तरीके की साजिश पिछले 70 सालों से रचती आ रही है जिसमें कि आदिवासियों की पहचान, उनकी ज़मीन, उनके संसाधनों को छीन करके इस देश के पूंजीपतियों के लुटेरों के हवाले कर दिया जाए, उसमें ये तमाम लोग भी शामिल हो गए हैं। और ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके की हत्याएं पुलिस के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा की गई हैं। इससे पहले भी इस तरीके की हत्याएँ होती रही हैं और उनको नक्सली बताने की साजिश हुई है। इस घटनाक्रम में भी यही हुआ कि इन 3 आदिवासियों को नक्सली बताने की साजिश हुई और बाद में जब तमाम वहाँ के आसपास के गाँव के लोगों ने बताया कि ये प्रोटेस्ट के ऊपर ओपन फायरिंग थी, जो लोग सीआरपीएफ के कैंप का विरोध कर रहे थे उसके ऊपर ये फायरिंग थी और उसमें ये तमाम लोग मारे गए थे जो कि नक्सली नहीं थे, तो ऐसे में ये चीज सबके सामने आ जाती है कि किस तरीके से पुलिस और सुरक्षा बल के जो जवान हैं आदिवासियों को नक्सली बता करके पूंजीपतियों के लिए जमीनें हड़प रहे हैं। तो नहीं निकलते हैं इसी छत्तीसगढ़ से हाल ही में एक वीडियो और आया था। सूरजपुर के डीएम रणवीर शर्मा ने एक युवक को लॉकडाउन उल्लंघन के नाम पर तमाचा जड़ दिया था, उसका मोबाइल भी तोड़ दिया और पुलिस वालों से भी पिटवाया था। इस घटना पर भी खूब बवाल हुआ और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को संज्ञान में लिया और डीएम को हटा दिया। लेकिन छत्तीसगढ़ के ही बस्तर में हुई इतनी जघन्य वारदात पर भूपेश बघेल गोल गोल घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में माओवादी और शासन के बीच में आदिवासियों का पीसा और मारा जाना नई बात नहीं रही, लेकिन छत्तीसगढ़ में बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार स्थापित होने के बाद यही अपेक्षा रही हमारी सबकी कि आदिवासियों को न केवल न्याय मिलेगा पर जिंदगी भी। लेकिन कल से जो घटना मैंने पहाड़ के आदिवासी क्षेत्र में से ही बाहर आने के बाद सुनी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में होते हुए मैं छत्तीसगढ़ नहीं पहुंच पाई, लेकिन उस घटना से हम सब हैरान हैं। हम सब जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के साथ ही समझते हैं कि सेना को अपना कैंप गांव में लगाने क्यों नहीं देना चाहते छत्तीसगढ़ के आदिवासी। उनके साथ जो भी हुआ है धोखाधड़ी, कभी निरपराध आदिवासियों को नक्सली कहते हुए मारा जाना और कभी शासन के दलाल मानकर माओवादियों से भी कत्लेआम होना, हम किसी भी प्रकार से किसी भी तरफ से हिंसा का विरोध करते हैं। विपक्षी पार्टी के तौर पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस फर्जी मुठभेड़ों में आदिवासियों की हत्या को आक्रामकता से उठाती रही थी। इसके नेता मौके पर पहुंचते थे और बयान जारी करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये मौतों की किसी विशेष आयोग से जांच भी नहीं करवा रही। इस मामले को मनुवादी मीडिया ने कोई जगह नहीं दी, लेकिन दुख इस बात का भी है कि बहुजन मीडिया से भी ये खबर गायब रही।
बहुत से बहुजन YouTube चैनलों और पोर्टल्स ने बस्तर नरसंहार को कवर नहीं किया। बहुजन एकता की बात करने वाले साथियों को सोचना होगा कि साझा लड़ाई में क्यों आदिवासियों को साथ नहीं ले पा रहे। सुनिए एक्टिविस्ट अर्जुन मेहर इस बारे में क्या कह रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान आंदोलनरत आदिवासियों पर बंदूक की गोलियां चलाते हैं और 3 आदिवासी लोग शहीद हो जाते हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं। इस घटना पर ना तो देश का मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ बोलता है, ना ही अखबारों में कुछ छपता है, ना ही सोशल मीडिया पर मौजूद लिबरल लोग, प्रगतिशील लोग, लिबरल पत्रकार, कोई भी कुछ नहीं बोलता। उनकी खामोशी हम जैसे लोगों को विचलित करती है। सवाल ये नहीं है कि आप लोग सूरजपुर की घटना पर क्यों बोल रहे हैं, सवाल तो ये है कि आप लोग बस्तर की घटना पर चुप क्यों हैं। जब शोषण हो रहा है तो हर शोषण पे बोलिए ना। इतना सिलेक्टिव होकर आप क्यों चुप है कि आपको थप्पड़ वाली घटना तो दिखाई दी गई, लेकिन जो 3 आदिवासियों को सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी बंदूक की गोली से मारा वो घटना नहीं दिखाई दी। चल में नया पुलिस कैंप को आता हो, गांव में रोड पुलिया फूल पुलिया, नया पुलिस कैंप हम नहीं चाहिए। आदिवासी बहुजन समाज का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा असुरक्षित है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम आदिवासी समाज पर होने वाले हर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें, क्योंकि सत्ता में बैठे हुक्मरान चाहे कांग्रेस के हों या फिर बीजेपी के, आदिवासियों को नक्सली बताकर कत्लेआम करने से बाज नहीं आते। कभी ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम पर, कभी सलवा जुड़ुम के नाम पर, और कभी भोले भाले ग्रामीणों को नक्सली माओवादी बताकर बेरहमी से मारा जाता रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जल जंगल और जमीन के सबसे पहले हकदार आदिवासियों को उनकी माटी से बेदखल करने और प्राकृतिक संपदा को लूट कर चंद पूंजीपति घरानों को सौंपने का ये खूनी खेल आखिर कब थमेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या सोचना है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। मेरा नाम सुमित चौहान है और मेरी अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।